सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्टीवन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी भाई बज गया है 4:50, तो हम चलते हैं भाई खेत, और खेत में घास काटना है तो कचिया और गमछा ले लिए हैं। तो चलते हैं ब्रो, और वहां पे जाके कार्यक्रम शुरू होगा, और चलते हैं। ठीक, अभी देख सकते हैं हम लोग खेत में जा रहे हैं। आज ही नवरात्रि का दूसरा पूजा चालू हो चुका है, तो हमें अभी शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि सुबह से आज ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे, थोड़ा प्रॉब्लम था इसके वजह से। और तो हम अभी चला आए खेत, खेत में जाने के बाद और घास काटना है। और क्या करना है ब्रो, घास काटेंगे उसको लेके डेरा पे जाएंगे, फिर कुट्टी काटना है। और बिहारी लौंडे का कार्य देख सकते हैं किस प्रकार से होता है, और इस प्रकार से हमारे देसी छोरा चलते रहता और बिहारी लौंडे समझते हैं ना। देख सकते हैं हम लोग खेत में आ गए। ये मेरा छोटा भाई जो मुझसे छोटा है वो इधर घास काट रहा है, सौरभ रहा इधर। ये मेरा मतलब चाचा का बेटा होगा ना, मेरे चाचा, मेरे पापा 5 भाई है, उनका छोटा मतलब मेरे पापा जो छोटे हैं ना उनका मतलब ये हुआ पुत्र। हाँ पुत्र। और इधर मेरा ये रहा, हमसे जो छोटा है एक भाई वो घरे में है। तो हमारे ये घास काट के रखा है, तो भाई हो सकता है तो यही लेके चल जाएंगे, अन्यथा काटेंगे। ठीक है, तो काट ही लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या क्या कहते हैं आप लोग, काट लेते हैं। ठीक है ब्रो, देख सकते हैं हम लोग भाई मुरेठा बांध रहे हैं, उधर है दुर्गा मंदिर, अभी उठाएंगे अकेले। घास नहीं काटे हैं भाई, घास हम नहीं काटे और काट के रखा था मेरे छोटा भाई, तो उठाते हैं इसके बाद चलते हैं, अकेला उठाएंगे, देखते हैं उठता है कि नहीं। राय भाई वजनगर है ब्रो, लेकिन उठाने का ट्राई करते हैं। ठीक, अगर उठ जाएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, 1 लाइक। ठीक, उठा लिया भाई, वाव ब्रो, उठ गया। लाइक तो बनता है भाई, उठ गया, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं ब्रो। चलो चलो, कचिया ले लो, कचिया ले लो। चलिए गाइस, देख सकते हैं भाई माथा पर बोझ आया, अरे ब्रो फेंक भी जाता है गली में, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है ब्रो। चलते हैं तो बोझारा के फिर से मिलते हैं। ठीक है, तो बाय बाय। देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जाते हैं, लोग घास लेके आ गए हैं और छत पे आके यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग एंजॉय कर रहे हैं, जो कि ये रास्ता है ना, ये रास्ता सो आगे जाता है मतलब मंदिर के पास, यानी कि हर एक आदमी डेली मतलब जाते रहता है समझते हैं पूजा करने के लिए। तो आज दूसरा पूजा है, तो अभी भी जा, शाम का टाइम हो गया, तो हो सकता है पूजा भी खत्म हो गया होगा। बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सौरभ इस तरफ, भाई आउटफिट बदल के आ गया। हम लोग वही मतलब नहा के फिर गए थे घास लाने के लिए, घास ले आए और आउटफिट तुरंत क्या बदलेंगे, है कि नहीं, जो कि नहा के हम लोग गए वे किए थे। तो देख सकते हैं अभी भाई अंधेरा होने वाला है, क्योंकि 6 बज गया है ना, तो 6 बजे बिहार में अंधेरा हो जाता है। वे गाइज, गुड मॉर्निंग, अभी पढ़ने के लिए और 6 बज गया है, तो हमारा 6:30 बजे से क्लास होता है, तो चलते हैं। तो हे गाइज, हम लोग पढ़ के चल आए हैं और अभी 9:30 बज गया है। ठीक, 9 बजे क्योंकि मेरे को छुट्टी हो जाता, आज सवेरे छुट्टी हो गया था, तो हम पढ़ के चल आए हैं। देख सकते हैं उसी प्रकार से हम बीस मिट्टी में बैठे हुए हैं, जो कि मेरा भाई सर नहीं है, चला गया नदी में, नदी जो है ना पास में, उस दिन जो गए थे नहाने के लिए फिर जाएंगे नहाने के लिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और पानी अब बहुत ज़्यादा सूख गया है तो चलेंगे। अच्छा लगे आज ग्रो कुछ हुआ चैनल, क्योंकि दूसरा वीडियो डाल देते हैं ना इसके वजह से, आप लोग को बुरा तो नहीं लगता है ना, और अच्छा चीज़ डालते हैं, खराब चीज़ तो नहीं डालते हैं ना, अब ब्लॉग भी डाल देते हैं, क्योंकि समझते हैं ना अभी नए बंदे को थोड़ी ना देखना चाहता, इसलिए थोड़ा भी चैनल ग्रो होना चाहिए ना, क्योंकि साल भर से काम कर रहे हैं ब्रो इसके वजह से, तो कुछ डाल देते हैं वो भी देख लिया कीजिए, क्योंकि वो अच्छा चीज़ डालते हैं। ठीक, इसके वजह से अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू, लव यू ब्रो।